आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, हो गया आज का विदा। वैसे आप लोग तीनों का एक नया शो आ रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शो शुरू होने बधाई मांगने वाले पहले आ जाते हैं। आपने देखा लोग ऐसे मिलते ही मिल भी ऐसे रहती है। हेलो, चलो बाहर जाके बैठो, जाते हो कुछ देके जाएंगे आपको। एक्सक्यूज मी, मैं बधाई मांगने नहीं, मैं कुछ काम की बात करने आई हूँ। उनके पास बहुत काम है, तुम्हें जो मिला वो ढंग से करो। एक सेकेंड, मैं ना बहुत अच्छा काम करती हूँ, तभी तो सोनी साहब मुझे हर एपिसोड में देखना चाहते हैं। वो तो सोनी साहब को हम हर एपिसोड दिखाते ही नहीं, उनको पता चल जाए ना तुम हर एपिसोड में होती हो, तो ये शो ही सेट मैक्स पे शिफ्ट कर दे। आपको पता है उस दिन सूर्यवंशम आ रही थी, तो जो ठाकुर साहब थे बिना खीर खाए उन्होंने उल्टी की, इनका सीन देख के। सो बैड, हो गया, क्या और बाकी है? एक और बाकी, अभी वैलेंटाइन डे था जी, तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई। अच्छा, तो फूल देने लगा, इतनी पास आई, ऐसा डकार मारा, बेहोश हो गया वो। कब तक ऐसी बातें करती रहेगी, अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? अरे जब मर्ज का पता चल जाएगा तब इलाज भी करवा लूंगी। डोंट वरी, मतलब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी जरूर। माय गॉड, ऐसे मलाइका मैम तेरा रिश्तेदार। तुम्हारे दोस्त मेरे रिश्तेदार, सेम सेम कप्पू। आज क्या लौकी लग रही तू? लौकी कप्पू शर्मा। वैसे शत्रु जी का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मैं तुम्हारे लिए अर्ज करना चाहूँ। कौन सा? इरशाद, इरशाद। खामोश। आवाज की और वेरी गुड। तो मैं कह रही थी मलाइका मैम कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं आप तीनों जजेस के साथ डांस शो जज करूँ। उनके जज फाइनल हो चुके हैं, कुछ चेंज नहीं हो सकता। यू कैन गो नाउ। क्यों? चलते शो में जज चेंज करना सिर्फ इसी शो में हो सकता है। आपको बोल रही है? अरे हमने भी कुछ सीखा है अर्चना मैम से। थैंक यू। और टेरेंस, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जजमेंट ना बहुत अच्छा है। हाँ, ये आदमी के होठों को देख के बताती है कौन सी बीड़ी पीता है। तुम्हारी देख के बताओ तुम कौन सी पी के आ रहे हो। अच्छा, होठों पे बात करनी है आज, फिर ये एपिसोड 3 घंटे का होगा। कपूर रहने दो, वैसे भी मेरे होंठों की चर्चे दूर दूर तक है। दूर दूर तक नहीं, जहां तक होंठ है वहीं तक है। यू मीन दूर दूर तक ही है। देखो, उनको कोई जरूरत नहीं है जज की, दबा जाओ। अच्छा, तो अगर जज नहीं तो शो की होस्ट तो बनी सकती हूँ। अरे बाप रे। चलो डेमो हो जाए फिर, कैसे करोगी? दिखाइए, दिखाइए। डन, ठीक है, होस्ट बनेंगे जरूर। इस महफिल में मौजूद ख्वातीनों हजरात, ख्वातीनों हजरात, तेरी फूफी का मुशायरा नहीं हो रहा है इधर। भाई ख्वातीनों हजरात क्या होता है? वो देख, लोग जा रहे हैं तेरे होस्टिंग देख के। इसको होस्टिंग कहते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट करने को भी होस्टिंग नहीं कहते हैं। तो अब मैं असली वाला ऑडिशन आपको दिखाती हूँ। दिखाइए प्लीज। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है इंडियाज बेस्ट डांस शो में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त भूरी। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर चमनलाल बिहार से। होस्ट का दोस्त, वाह वाह वाह। शो शुरू हुआ, अपने मामा को पहले सेलेक्ट कर लिया। चमनलाल जी बिहार से। तुम अपने दोस्तों को शो में रख सकते हो, मैं रिश्तेदारों का नाम नहीं ले सकता। कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था, आपने बहुत साफ बोला है, एंड आई थिंक आपको एक मौका लेना चाहिए। साफ तो तोता भी बोल लेता, उसको रख ले होस्ट। तू इतनी टैलेंटेड, तू सर्कस में जोकर क्यों नहीं बनती? अब सर्कस जितना करना था हमें, हम कर चुके कप्पू। ये लड़की बोलने लगी है, अच्छा लग रहा है। अब तो हमारा रिंग मास्टर भी यही सामने बैठा है। अच्छा, आज रिंग मास्टर बोल रही है आपको। हाँ। वो दिन भूल गए जब दो दो नंबर के लिए उनके ड्राइवर को हक करती थी। एक सेकंड,
ये आपको पता मैं एक बात बता दूं ब्यूटी पार्लर वाली बात जब ये ब्यूटी पार्लर जाती ना तो ब्यूटी पार्लर वाले बोलते पहले दो तीन पार्लर जाके इधर आया करो ऐसे डायरेक्ट बोलते हमारे नहीं आना हो गया उस दिन इसकी दीदी की शादी थी जीजू से कहती 1100 रुपए दो मेरे को जूता चुराई के वो कहता 10,000 ले आगे से ये फेस लेके मेरे सामने नहीं आना ये कुछ भी बोल रहे गीता माँ मतलब भगवान का दिया सब कुछ है भगवान का दिया ही है बस इसके पास वो भी दिवाली पे चुराया था इसने बरसातें होती ना दिए में बैठ के कॉलेज जाती है मलाइका मैम आप प्लीज इसकी बातों को इग्नोर कीजिए मैं सच बोल रही हूँ मैं ना अच्छा कुछ नहीं तो मैं क्योंकि डांस अच्छा कर लेती हूँ तो मैं एज अ कंटेस्टेंट भी आने के लिए तैयार हूँ जज से शुरू हुई थी कंटेस्टेंट पे आ गई थोड़ी देर बाद बोलेगी मैं जनरेटर में तेल भी डाल सकती हूँ मैं सेट पे कपड़ा मार सकती हूँ तो क्यों करती है ऐसे काम गुड बात हद है यार नहीं सीरियसली ट्रस्ट मी मैम मैं ना देखिए मुझे मेंटोर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अपना परफॉर्मेंस खुद कोरियोग्राफ भी कर लूं ओह नो वेरी गुड लेकिन आपको पता है ना कुछ आपको करना है वहां पे या 90 सेकंड है हां ओके एंटरटेनमेंट नयापन और टेक्निक भी करना चाहिए आप 90 दिन दे दो अगर ये कर गई लेकिन मैं बता दूं इससे जनरली टैलेंटेड बरेली में इसका स्कूल है ये शराबियों को नागिन डांस सिखाती है हाँ नागिन डांस नेवले का डांस सब डांस सिखाती हूँ भड़क गई मैं नहीं बात करनी ये नागिन का डांस सिखाई है ले 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 नागिन अभी आएगा लाइव परफॉर्मेंस हो ओह माय गॉड व्हाट इज दैट ड्रेस ड्रेस वाओ ओह माय गॉड I'm in shock. मस्त लग रही है। Hello, hello, guys. नागिन बोला था सामने आजकल आ गया। Oh my God. हाँ, भारती मैं बड़ी खुश हूँ। Excuse me. हाँ। बहन आप कौन? मैं वही हूँ जो दो मिनट पहले आप बनने की कोशिश कर रही थी। India's best dancer की host. अरे बहन आप तो नाराज होगी कोई बात नहीं देखिए क्या है ना आप शो की होस्ट हैं मैं होस्ट बनने वाली तो होस्ट होस्ट दोस्त होते हैं हाँ इसका यही है पहले दोस्ती करती फिर उधार लेती है फिर शहर छोड़ जाती है तुम्हें बोला बीच में बात करने के लिए तुम चुप रहो देखिए भारती जी देखिए आप होस्ट हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूँ देखिए आप ना बिल्कुल भी नर्वस मत होना जस्ट बी कॉन्फिडेंट That's all. Oh, hello. बीनी मेरा A to Z सब कॉन्फिडेंट में है और हाँ मुझे कॉन्फिडेंस सिखा रही है मैंने इतने शो होस्ट किए उतने बने भी नहीं है अच्छा ये सब बातें बंद करो भारती आप बाहर जाओ इसका मुंह तोड़ दो Excuse me? मुझे क्यों नहीं बोला इसका मुंह तोड़ने के लिए मुझे पता है तुम तोड़ नहीं सकती भारती किसने सिखाया ये कैटवॉक बताइए सबको एक लड़की है जिसने मुझसे फिगर बनाना सिखाया मलाइका अरोड़ा क्या बात है नहीं नहीं जजेस आई थिंक ये ना कप्पू ना मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं देगा तो मैं आपको आपके सेट पे मिलूंगी नेक्स्ट देखा हटी नहीं बिल्कुल वेलकम आप आइए है ना लंच भी करेंगे साथ में डन डन अब तो आएगी पक्का लंच के नाम पे तो हरिद्वार चली आती सो ऑल द बेस्ट फॉर द शो बाय बाय थैंक यू